नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह यूपी टीजीटी एसएसटी का भारतीय इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है उसका संपूर्ण उत्तर मैं आपको बताऊंगा। भारतीय इतिहास से संबंधित पूरा एकदम विधिवत जबरदस्त आंसर की आप लोग को मिलेगा, ऑथेंटिक आंसर की मिलेगा आप लोग को। लेकिन एक बात बता दें, यह जो वीडियो है मैं टीजीटी यूपी टीजीटी एसएसटी आंसर की के नाम से मैं वीडियो डाला हुआ था 5 बजे के करीब, तो उसके बाद मैं यह आंसर की का वीडियो डालना भूल गया कि मैं उसमें डाला हुआ था, इन्फॉर्मेशन था कि यूपी टीजीटी आंसर की आप लोग को जल्द उपलब्ध होगी, लेकिन यह मैं उपलब्ध नहीं करा पाया, 3-4 घंटा बीत गया। तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट है, भाई इनको आंसर की देने की क्षमता ही नहीं है, इनको उत्तर बताने की क्षमता ही नहीं है, तो ये कैसे बताएंगे ये वो। देखिए दोस्तों, मेरे पास प्रश्न पत्र नहीं है, अगर प्रश्न पत्र होता तो मैं बता देता, प्रश्न पत्र ही नहीं था। बहुत 2-4 लोगों को मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया के थ्रू कि मुझे मिल जाए, लेकिन मैं नहीं मिला। बाद में एक मित्र खाली हुआ तो उसने हमको यहाँ पर सेंड किया, तो जब हमारे पास प्रश्न पत्र होंगे तब तो मैं आंसर की बताऊँगा, और ऐसा मत सोचिए। चलिए ठीक है, मैं प्रश्नों पर आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है, शाहदरा का जो मुगल गार्डन है वह आपका लाहौर में होगा, लाहौर में, क्योंकि और यहीं पर आपका क्या बोलते हैं जहांगीर का मकबरा भी है। प्रश्न 3 देखिएगा, प्रश्न 3 यहाँ पर 3 क्यों आ गया भाई, पहला कहाँ है? अब उसने मुझे ऐसे ही भेजा है तो क्या क्या करें। देखिए प्रश्न 3 देखिएगा, किस सुल्तान द्वारा गुलरुखी उपनाम से नज्म लिखी जाती थी, कविता लिखी जाती थी, तो वह सिकंदर लोधी है, विकल्प सी। जौना खां किस शासक का उपनाम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का। आप लोग मिला लीजिएगा, पूरा ऑथेंटिक आंसर की दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जो 3-4 घंटा लेट हुआ भाई, मेरे पास नहीं था, अगर प्रश्न पत्र होता तो मैं आंसर की दे देता, था नहीं। मैं खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ इतिहास में, भूगोल में, अगर होता तो मैं ज़रूर आप लोग को उपलब्ध कराता। देखिए प्रश्न 5 देखिएगा, तारीख़ मुबारकशाही के लेखक कौन है, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं, विकल्प जो है सही है आपका। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, तो यह आपका शेरशाह सूरी या अकबर, दोनों में इसको यह एक हो सकता है, लेकिन शेरशाह सूरी ज़्यादा ऑथेंटिक है, दोनों में इसको एक है, लेकिन शेरशाह सूरी आप सही मानिएगा, विकल्प ए। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया, तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी भाई ने किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, यह अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था, इसने खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी और यह खलीफा को मान्यता देना बंद कर दिया था, विकल्प बी, समलैंगिक सुल्तान था ये। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 58 देखिएगा, शाहजहां के शासनकाल के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पातशाहनामा का लेखक कौन था, पातशाहनामा लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने, विकल्प बी। प्रश्न 59 देखिएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था पातशाहनामा। प्रश्न 59 देखिएगा, अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो विविधाध्यक्ष जो है चारागाहों का अध्यक्ष। प्रश्न 60 देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी, तो 1804 में हुई थी। प्रश्न 61 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा है फतेहपुर सिकरी में स्थित है, तो पंचमहल जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। प्रश्न 62, मौर्य काल में समाहर्ता का संबंध क्या है, समाहर्ता जो वही होते थे जो करों का संग्रह कर लेते थे, वह समाहर्ता थे, तो यह था विकल्प सी जो है सही आपका, आकलन एवं संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। प्रश्न 63 देखिएगा, ह्वेनसांग का भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, ह्वेनसांग मुख्य रूप से इसलिए आया था क्योंकि वह बौद्ध ग्रंथों की जो प्रतियां थी, बौद्ध ग्रंथ के जो पन्ने थे उसको एकत्र करना था, लेकिन इस प्रकार का कोई विकल्प ऑप्शन में है नहीं, भारत का भूगोल जानना तो इसमें कोई इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, धन एकत्र करना तो बिल्कुल नहीं है, भारत की संस्कृति को जानना तो यह भी उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था तो था लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं था। बुद्ध से संबंधित स्थलों को जाना तो यह शायद यही उसका जो नज़दीकी उत्तर है यही होगा, क्योंकि बुद्ध से संबंधित स्थलों पर गया तभी वह बौद्ध ग्रंथों की जो प्रतियां थी उसको इकट्ठा कर पाया जिसके लिए वह आया था, तो विकल्प बी जो है वह सही आपका। प्रश्न 45 देखिएगा, निम्न राजा अधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है, तो देखिए 2 पदों यह आपका गुप्त काल में हुआ है, गुप्त काल में, विकल्प सी, हरिश्चंद्र ने भी इसका उल्लेख किया है। प्रश्न 46 देखिएगा, निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सीलोन को जीत लिया, मतलब पूरा श्रीलंका जीत लिया था, किसने जीता था, तो राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका जीता था, मतलब कि श्रीलंका का आधा भाग ही जीता था, और महीम पंचम जो था उसको क्या बोलते हैं शरण लेनी पड़ी थी जाकर, मतलब श्रीलंका की दूसरी ओर, तो यह राजराज प्रथम ने आधा श्रीलंका जीता था, लेकिन पूरा श्रीलंका किसने जीता था, तो राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र प्रथम ने जीता, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 47 देखिएगा, कलिंग तुपड़ी का लेखक कौन है, तो जैन गोदर हैं, जैन गुंडम, देखिए यहाँ जैन गुंडम लिखा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जैन गुंडम कहिए या फिर जैन गोदर कहिए, इन्होंने कलिंग तुपड़ी नामक ग्रंथ लिखा था।
प्रश्न 48, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है, धार्मिक संबंध में एक बारे में बताता है, मतलब भाईचारे के बारे में बताता है, मतलब समरसता की बात है कि एक करता है, तो 12वां शिलालेख, विकल्प डी, मतलब विभिन्न धर्मों के प्रति 12वां शिलालेख। प्रश्न 49 देखिएगा, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार का एक साक्ष्य मिला हुआ है, समूह मिला हुआ है, तो वह आपका हड़प्पा है। प्रश्न 50 देखिएगा, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में से किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह हुआ था, तो रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय, विकल्प डी, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। प्रश्न 32, दिल्ली सल्तनत में बरीदी मुमालिक क्या था, तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। प्रश्न 33, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है, तुर्की सुल्ताना का महल आपका कन्फ्यूजन में है, आप लोग सर्च करिएगा। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से किसने गुप्तों ने पतलून पहनना शुरू सीखा था, तो गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था कुषाणों से, क्योंकि कनिष्क की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसमें एक पजामा टाइप का उसने कुछ पहना हुआ है, तो कुछ कुषाणों से सीखा है गुप्तों ने पतलून पहनना। प्रश्न 35, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे आत्मदाह किया, तो देखिए कुछ चीज़ें कॉमन सेंस लगाना चाहिए, जो हर्षवर्धन जो वर्धन वंश था वह उत्तरी भारत में था, ये सरस्वती और झेलम तो बिल्कुल होगा ही नहीं, यमुना और गंगा में से कोई एक हो सकता है दोस्तों, यहाँ डिपली इतना प्रश्न पूछा, लेकिन देखिए यहाँ पर यमुना और गंगा में से ही होगा, बाकी यह सरस्वती और झेलम तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रश्न 36 देखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया, तो यह आपका लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 37, हृदय स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो हृदय स्तूप शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ है तो वह आपका दिव्यावतार में हुआ है, विकल्प सी। प्रश्न 38, कैलाश मंदिर कहाँ है, तो कैलाश मंदिर आपका एलोरा में है, एलोरा में। देखिए निम्नलिखित में से किसमें रजत की छत संगमरमर स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों की सजावट हुई है, तो वह एतमाउद्दौला का मकबरा है आगरा में, विकल्प बी। प्रश्न 52, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो तसर जो था एक करघा था, करघा, करघा मतलब, करघा मतलब चरखी के लिए, विकल्प ए जो है सही आपका, करघा कहिए या चरखी कहिए। प्रश्न 53, जेम्स मिल की रचना दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की का प्रकाशन कब हुआ था, 1817 में हुआ था। प्रश्न 54, बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय की स्मृति में बना था, तो बुलंद दरवाजा बना था यह आपका गुजरात स्मृति में, बुलंद दरवाजा बना था गुजरात में, गुजरात की स्मृति में, विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 55 देखिएगा, किसने या घोफड़ा की बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी, तो लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने, विकल्प ए। प्रश्न 56, 1883 में सनातन धर्म रसड़ी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, विकल्प डी। प्रश्न 57, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू का पूरी तरह से पतन हो जाता है, वोडियार वंश का एक दुधमुहा बालक गद्दी पर बैठा दिया जाता है 2-3 साल का, और उसके बाद वह सहायक संधि उस पर ला दी जाती है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। प्रश्न 13 देखिएगा, मेघस्थनी द्वारा उल्लेखित एस्ट्रोनोमोई अधिकारी का संबंध क्या था, तो एस्ट्रोनोमोई जो होता था वो मार्ग निर्माण अधिकारी या फिर नगर के अधिकारी, नगर का अधिकारी, विकल्प ए जो है सही आपका, नगर का अधिकारी होना चाहिए। प्रश्न 14, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का वर्णन है, तो रामगुप्त का वर्णन जो है हर्षवर्धन के बांसखेड़ा अभिलेख में है, हर्षवर्धन के बांसखेड़ा अभिलेख में, विकल्प बी, रामगुप्त का वर्णन, या आपका स्कंदगुप्त का कहोम स्तंभ तो वैसे नहीं होगा, समुद्र का प्रयाग स्तंभ भी नहीं है, यह आपका हम, यह आपका हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, विकल्प भी है। प्रश्न 15, 1601 में खान देश पर अकबर की विजय की स्मृति के चिन्ह में कौन सा स्मारक बना था, तो बुलंद दरवाजा बना था, बुलंद दरवाजा, या एक जगह आया गुजरात विजय, तो गुजरात विजय, गुजरात जो था यह आपका गुजरात में ही खान देश पड़ता था, तो बुलंद दरवाजा दरवाजा है, विकल्प सी। प्रश्न 16 देखिएगा, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने करवाया था, तो यह आपका इसमें देखिए कन्फ्यूजन है, इसमें ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी और डी में कोई होना चाहिए दोस्तों, सी और डी में ही होगा। प्रश्न 17, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है, तो यह 27 होगा, 27, विकल्प सी। प्रश्न 18 देखिएगा, अरिमोल वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था, तो यह अरिमोल वर्मन जो था यह राजाधिराज, अरिमोल वर्मन राजाधिराज होगा, राजाधिराज शायद, चेक कर लीजिएगा आप लोग।
प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? अग्नि मंदिर की जो प्राप्ति हुई है वह आपका कपिसा से हुई, कपिसा से, कपिसा से विकल्प ए जो है सही आपका कपिसा से हुआ है। डायमेकस सीरिया से किसके दरबार, देखिए डायमेकस जो था यह सीरिया, सीरिया का एक शासक था एंटियोकस, एंटियोकस का राजदूत था डायमेकस जो आया था बिंदुसार के समय में, विकल्प सी। प्रश्न 10 देखिएगा, किस एक्ट ने भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा इंग्लैंड के साथ भारत में कराना का शुरू किया था? तो 1919 का अधिनियम, विकल्प डी। प्रश्न 11, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? तो कुस्तुनतुनिया से आया था, कुस्तुनतुनिया कहिए या फिर कॉन्स्टेंटिनो टुटेनिपोल, या कुछ अलग नाम दे दिया गया है, तो यह कुस्तुनतुनिया इसका नाम, एक नाम ये भी है, तो विकल्प ए जो है वापस सही है। प्रश्न 12, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताना है? तो देखिए साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन जो था 1928, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, फिर आपका क्रिप्स मिशन 1942, सी आर फार्मूला जो है 1944, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न 19 देखिएगा, संस्कृत का सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन, प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, विकल्प बी जो है सही आपका। प्रश्न 20, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक ले जाने का प्रवेश द्वार है? तो यह आपका कुतुब मीनार है, मैंने प्रत्यक्ष देखा इसलिए मुझे याद है, तो यहाँ पर कुतुब मीनार, यह अलाई दरवाजा है और इधर कुतुब मीनार है, तो यहाँ से कुतुब मीनार तक ले जाने का मार्ग है। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किसे चोल शासकों ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो सुमात्रा और मलाया पर किसने विजय प्राप्त किया था? राजेंद्र प्रथम ने, विकल्प बी। प्रश्न 22, जैन ग्रंथ कुवलयमाला का लेखक कौन है? तो उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 23, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो बैरकपुर से संबंधित था, विकल्प ए। प्रश्न 24, किस चोल शासक ने मदुरै कोंट, मदुरै कोंट और मधुरांतक की उपाधि धारण की थी? तो परांतक प्रथम, परांतक प्रथम, विकल्प सी जो है सही आपका, मदुरै कोंट या मधुरांतक, परांतक प्रथम को कहा गया है। दक्कन सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने, विकल्प ए। प्रश्न 40, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की जाकि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो 1848 में, 1848 से 56 तक यह लॉर्ड डलहौजी रहता है और आते ही यह घोषणा कर देता है, विकल्प ए। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? तो यह आपका एम जी रानाडे थे, एम जी रानाडे, विकल्प सी। प्रश्न 42, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, विकल्प बी। प्रश्न 43, के दिल्ली सल्तनत की चहलगामी के सदस्य संबंधित थे? तो यह तुर्कों से संबंधित, सभी तुर्की, तुर्की सदस्य थे, 40 सदस्य थे और 40 तुर्की थे, विकल्प सी। प्रश्न 44, पुराण या धरण, देखिए पुराण या धरण किस प्रकार की, किस प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? धरण एक प्रकार का चांदी का सिक्का होता था जो गुप्त काल में चलता था, तो रजत होगा, रजत, रजत कहिए या फिर चांदी कहिए, विकल्प सी जो जो है सही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सब इतिहास के प्रश्न थे और मुझे, मेरे पास प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं थे कि मैं आप लोग को आंसर की दे पाऊँ, बस यही एक रीज़न था, और प्रश्न पत्र जैसे ही उपलब्ध हो गए वह जानकारी आप लोग को दी गई। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा आप लोग। और DSSB TGT का भी पेपर बहुत जल्द है आपका, DSSB TGT SST का भी पेपर आपका 6 सितंबर में, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त अवसर है, तो जो लोग लगे हैं वो लोग लगे रहिएगा। और घटनाचक्र की जो मोटी बुक आती है उसको मैं पूरा का पूरा रिवाइज कराया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र TGT PGT हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा का पूरा बुक आप घोल कर पी जाइए, जिनका भी TGT SST हो DSSB का, और आगामी अन्य परीक्षाओं में भी बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट बुक है, तो घटनाचक्र आप कंप्लीट करिए, जितने भी लोग हैं घटनाचक्र आप लोग, अगर इसमें अगर आपका कम नंबर है तो घटनाचक्र कंप्लीट करने का प्रयास करिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, घटनाचक्र TGT PGT हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिनका भी TGT PGT में हिस्ट्री सब्जेक्ट है पूरा पूरा घोल कर पी जाइए आप लोग, जाइए। और 5500 वर्ड लाइनर क्वेश्चन का रामबाण PDF है दोस्तों, 5500 वर्ड लाइनर क्वेश्चन का रामबाण PDF है TGT PGT हिस्ट्री के लिए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका DSSB में, KBS में, NBS में या UP में ही काम देगा। अब देखिए जितना प्रश्न है, मैं साफ साफ बोल दूँ, यह मैं आपको समय मिलेगा, हो सकता है मैं कल मैं आपको बताऊँगा, यह जितना भी प्रश्न है 95% प्रश्न उस PDF से न हो, फंसा हो तो आप देखिएगा, मैं आपको PDF आप डाउनलोड करिएगा, देखिएगा 95% प्रश्न सब आए हुए हैं, ये प्रश्न है, ऐसा कोई प्रश्न आपको शायद 2-4 प्रश्न हो जो उस PDF में ना हो, बहुत ही बढ़िया जादुई PDF है दोस्तों, 5500 ऑनलाइन क्वेश्चन का रामबाण PDF है TGT PGT हिस्ट्री के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं आप, आपकी अपनी इच्छा है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और घटनाचक्र TGT PGT हिस्ट्री का आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा, बहुत मोटी बुक कंप्लीट कराई गई है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को, इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद।